फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज ये जो वीडियो है अपने घर से बना रहे हैं और पीछे में आप देख सकते हैं कि आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टाटा जेस्ट, जो कि डायरेक्ट ओनर का है और इसका जो कंडीशन है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो जेस्ट है मेरे परिचित का है, भाई लगता है। और डायरेक्ट ओनर का कार आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि उसको हम चेक करते हैं और वो नॉन एक्सीडेंटल होता है और उसका जो कंडीशन होता है अच्छा होता है, तभी हम उस कार का आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी जानते हैं इस वीडियो में कि ये टाटा जेस्ट कब का है, कितना चला हुआ है, इसका कंडीशन कैसा है और आप लोगों को ये टाटा जेस्ट कितने में मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा जेस्ट का जो फ्रंट लुक है इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। कंडीशन काफ़ी अच्छा है, हेडलाइट वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, प्रॉब्लम वगैरह सही है, थोड़ा बहुत बॉडी में टचअप मिल जाएगा पर बाकी जो है ओरिजिनल पेंट में है, वाइट कलर में है। टाटा का जेस्ट जो है सीडान क्लास में आता है ये। और कंडीशन वगैरह देखते हैं टायर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 से 50% टायर का कंडीशन अच्छा है। साइड प्रोफाइल देख सकते हैं आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। डोर वाइजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, क्रोम भी लगा हुआ है। और रियर टायर का कंडीशन देख लेते हैं, इस तरीके से आपको रियर टायर का कंडीशन देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल से देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इसका साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। टाटा जेस्ट में जो खास बात है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस सीडान में सबसे ज़्यादा मिलता है। और मॉडल की बात करें तो XC मॉडल है, नंबर रांची का है और ये डीजल इंजन में है। इसका माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है, 25, 26, 27 तक का माइलेज मिल जाता है। यहाँ पे भी आप लोगों को टायर का कंडीशन दिखाते हैं, देख सकते हैं फिलहाल तो अच्छा है। साइड प्रोफाइल भी आप देख लीजिए और यहाँ पे इस टायर का भी कंडीशन आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अभी चारों टायर सही है, तुरंत में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल चारों तरफ से आपको ये कार का कंडीशन दिखा दिए, थोड़े बहुत स्क्रैचेस मिल जाएंगे पर कार जो है ओरिजिनल पेंट में है। अब चलिए आप लोगों को इसका जो इंटीरियर है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इंटीरियर में आपको फ्रंट का दो पावर विंडो मिल जाएगा, यानी कि बैक में पावर विंडो नहीं है, फ्रंट में है। और ये है इसका इंटीरियर, किलोमीटर वगैरह भी बिल्कुल बताने वाले हैं, ओरिजिनल है, कोई कम किया हुआ नहीं है, ना ही कोई सेल परचेज करने वाला का कार है। तो किलोमीटर जो भी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो किलोमीटर जो है 1,15,708 चला हुआ है, जो कि ओरिजिनल है, कोई कम किया हुआ नहीं है। और पर्सनली मैंने इस कार को चलाया है, कंडीशन अच्छा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। प्लेयर वगैरह लगा हुआ है, AC, पावर स्टेयरिंग, फ्रंट के दो पावर विंडो मिल जाएगा। और ये रहा इसका पूरा इंटीरियर। आइए अब आप लोगों को जो इसका डिटेल है वो बताते हैं। तो मैंने आप लोगों को टाटा जेस्ट का जो कंडीशन था वो सब कुछ बता दिए, चारों तरफ से आप देख लिए, ओरिजिनल पेंट में है, किलोमीटर भी जो चला हुआ है बिल्कुल ओरिजिनल है, नॉन एक्सीडेंटल कार है, इंजन वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, सेकेंड हैंड कार है तो एक बार लेने के बाद सर्विसिंग कराना तो बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए इसका डिटेल की बात करते हैं। तो अगर इसकी साल की बात करते हैं तो साल 2017 का है, किलोमीटर आप देख लिए 1,15,000 समथिंग चला हुआ है, जो कि ओरिजिनल है। ऑनर की बात करते हैं तो सेकेंड ऑनर है। तो अब इसका प्राइस का बात करते हैं, तो जो इसका ऑनर है उनसे बात किए तो वो बोले कि आस्किंग प्राइस जो रखे हैं रेहान भाई 3,20,000 रखे हैं, बाकी जो आएंगे कार चलाएंगे वो सामने बैठेंगे तो जो भी कम हो पाएगा वो हम कम कर देंगे। तो ये टाटा जेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। वैसे बहुत सारे लोग जो डीजल इंजन में डिज़ायर खोजते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगा में मिलता है तो वो इसको खरीद सकते हैं भाड़ा पर्पज़ से चलने के लिए, माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।